टीम इंडिया में नहीं मिला मौका। इंग्लैंड खेलने निकले पृथ्वी शॉ, क्या पटरी पर लौटेगा पृथ्वी का करियर? पृथ्वी शॉ लगातार चर्चा में रहते हैं, चाहे उनके विवाद हो या फिर उनका करियर। पृथ्वी शॉ लंबे समय से टीम इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी शॉ ने एक बड़ा कदम उठाया है और पृथ्वी शॉ टीम इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेलने की वजह से अब इंग्लैंड निकल गए हैं और वहां पर जाकर क्रिकेट खेलेंगे। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। टीम इंडिया से पृथ्वी शॉ को नकारा। टीम इंडिया में पृथ्वी शॉ की वापसी नहीं हो पा रही है। इस साल आईपीएल में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन उससे पहले घरेलू क्रिकेट में उन्होंने जमकर रन बनाए थे। उन सब के बावजूद पृथ्वी शॉ को लगातार मौके नहीं मिल रहे थे। पृथ्वी शॉ को एक बार टीम में चुना भी गया था, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए। पृथ्वी शॉ एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको लेकर कहा जाता था कि वो भारत के भविष्य होंगे, लेकिन इस समय भविष्य तो छोड़िए वो भारत के वर्तमान भी नहीं है। ऐसे में पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही, तो पृथ्वी शॉ ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड निकल गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहां कई खिलाड़ियों को अपने निराशाजनक प्रदर्शन के लिए फैंस की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, वहीं इस बीच पृथ्वी शॉ ने अपनी अनदेखी की वजह से एक बड़ा करियर का फायदा उठाया है। इंग्लैंड जाकर क्रिकेट खेलेंगे पृथ्वी शॉ। जी हाँ, इंग्लैंड जाकर पृथ्वी शॉ अब क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई की तरफ से बार बार अनदेखी करने के बाद टीम इंडिया के स्टार ओपनर बल्लेबाज अब काउंटी क्रिकेट की ओर रुख बनाने के मूड में नजर आए और वो जल्द ही काउंटी क्रिकेट में चौके छक्के लगाते हुए भी नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से खबर आ रही है कि पृथ्वी शॉ ने काउंटी क्रिकेट के लिए नॉर्थहैम्पटन शायर टीम को ज्वाइन कर लिया है और जल्द ही इंग्लैंड की ओर रवाना हो सकते हैं। हालांकि अभी पृथ्वी शॉ भारत में चल रहे द्रिव ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें शॉ काफी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं शॉ का टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन अभी तक काफी अच्छा रहा है। ऐसे में दिलीप ट्रॉफी में उम्मीद है कि यहां पर वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ऐसे में अगर दिलीप ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो काउंटी क्रिकेट जब वो खेलने जाएंगे तो वो और बेहतर नजर आएंगे। लेकिन अगर पृथ्वी शॉ के करियर की बात करें तो पृथ्वी शॉ ने भारतीय टीम के मिले कम मौके में अपने आप को साबित किया, लेकिन समय के साथ प्रदर्शन में गिरावट आई और साथ ही उनके करियर में कई विवाद भी रहे, जिसके बाद वो टीम से धीरे धीरे बाहर हो गए और उसके बाद उन्हें टीम में मौका नहीं मिला। पृथ्वी शॉ ने अभी तक भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 T20 मैच खेला है और उसके अलावा अपने करियर को आगे बढ़ाने में वो बड़ी ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। टीम इंडिया में मुश्किल है पृथ्वी शॉ की वापसी। अब सही मायनों में देखें तो पृथ्वी शॉ को अपने करियर में कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो हर किसी के नज़र में आ जाए और उन्हें बड़ा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल एक बड़ा मंच था, लेकिन यहाँ भी वो फ्लॉप रहे। पृथ्वी शॉ अगर आईपीएल में 600 से ज़्यादा रन बनाते एक सीजन में तो जरूर सेलेक्टर उनके बारे में सोचते, लेकिन इस बीच कई ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने पृथ्वी शॉ से बेहतर करियर में प्रदर्शन करके दिखाया है, जैसे कि यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, और जाहिर है वो टीम इंडिया में वापसी कर गए। ऐसे में पृथ्वी शॉ को अगर भारत के लिए भविष्य में बड़ा क्रिकेटर बनना है तो उन्हें अब सही मायनों में सीरियस होकर क्रिकेट खेलना होगा और बड़े रन बनाने होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ भारत के लिए फिर से क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। एशियन गेम्स में धवन बनेंगे भारत के कप्तान। चुने गए भारत के 15 खिलाड़ी, युवा खिलाड़ियों के साथ धोखा। एशियन गेम्स में इस बार टीम इंडिया क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। चीन में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट को हिस्सा बनाया गया है और यहां पर आपको श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी टीमें दिखाई देगी। ऐसे में भारत भी एशियन गेम्स में अपनी टीम भेजेगा और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने शिखर धवन को कप्तान बनाने का मूड बना लिया है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि शिखर धवन, जिनकी टीम इंडिया में जगह ही नहीं बन रही, वो शिखर धवन जिनकी टीम इंडिया में वापसी मुश्किल है, उन्हें T20 का कप्तान क्यों बनाया जा रहा है और खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। तो आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स के लिए वो कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिनका नाम तय हो चुका है और युवा खिलाड़ियों के साथ कैसे धोखा होते हुए नजर आ रहा है। शिखर धवन कप्तान। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने शिखर धवन को कप्तानी देने का मूड बना लिया है और इसकी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि शिखर धवन खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी देने का क्या मतलब। यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में और फिर आईपीएल में जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की और उसके बाद टीम इंडिया में भी उन्हें मौका मिला है। ऐसे में यशस्वी जायसवाल का एशियन गेम्स में जाना एक सही फैसला है।
पृथ्वी शॉ को लेकर लगातार बवाल होता रहता है कि उनकी टीम इंडिया में जगह कब बनेगी। तो खबरों की माने तो पृथ्वी शॉ को एशियन गेम्स में मौका मिल सकता है। ऋतुराज गायकवाड़, जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन भी पिछले कुछ समय में काफी शानदार रहा है। टीम इंडिया में उनकी वापसी हो गई है, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को एशियन गेम्स भेजा जा रहा है। संजू सैमसन, जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन को इस टीम में जगह मिली है। संजू सैमसन भारत के लिए एशियन गेम्स में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। दिनेश कार्तिक, अब सवाल यह है कि दिनेश कार्तिक को लेकर जो चर्चा आ रही है क्या वो कितनी सही नजर आती है, क्योंकि दिनेश कार्तिक अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और वो इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक, शिखर धवन और कई सीनियर खिलाड़ियों को टीम इंडिया एशियन गेम्स में भेजना चाहती है ताकि भारत की टीम मजबूत भी नजर आए और इन सीनियर खिलाड़ियों को एक अच्छा फेयरवेल भी मिल जाए। रविचंद्रन अश्विन, जी हाँ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में तो लगातार क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन T20 में उन्हें एशियन गेम्स में फिर से मौका मिल सकता है, क्योंकि अब T20 में रविचंद्रन अश्विन की जगह मुश्किल नजर आती है। शिवम दुबे, अब इस खिलाड़ी को भी टीम इंडिया के लिए एशियन गेम्स में मौका मिल सकता है, इन्होंने चेन्नई के लिए इस IPL अच्छा प्रदर्शन किया था। नीतीश राणा, IPL 2023 में KKR की कप्तानी करने वाले नीतीश राणा को भी टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। नीतीश राणा एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के लिए कुछ मैच तो खेले हैं लेकिन अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए, और अब टीम इंडिया में क्या वो वापसी कर पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। रवि बिश्नोई, जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई को उनके अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिलेगा और वो एशियन गेम्स में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ईशांत शर्मा, अब फिर बात वहीं आ जाती है कि सीनियर खिलाड़ियों को अगर कोई फेयरवेल मिल सकता है तो वो एशियन गेम्स ही होगा और ईशांत शर्मा को वहां मौका मिल सकता है, और ठीक ऐसा ही उमेश यादव के साथ भी होगा क्योंकि उमेश यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आवेश खान, पिछले साल भारत के लिए लगातार क्रिकेट खेलने वाले आवेश खान टीम इंडिया से अचानक बाहर हो गए और अब टीम इंडिया में उनकी वापसी हो नहीं रही, ऐसे में एशियन गेम्स में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मोहित शर्मा, IPL 2023 में अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज़्यादा वापसी करने के मामले में मुकम्मल रहा तो वो मोहित शर्मा ही थे, और ऐसे में उन्हें एशियन गेम्स में भेजा जा सकता है। खलील अहमद, जी हाँ दोस्तों, खलील अहमद जो कि टीम इंडिया में 2018-19 में खेलते हुए नजर आते थे, वो अचानक ही टीम इंडिया से बाहर हो गए, ऐसे में उन्हें टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। तो आप ये टीम देखकर समझ सकते होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका करियर आखिरी पड़ाव पर है और ऐसे में वो टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अगर एक कोई फेयरवेल देना है तो एशियन गेम्स ही हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एशियन गेम्स में इन खिलाड़ियों को मौका देने से बेहतर क्या ये नहीं होता कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाता जो वहाँ जाकर प्रदर्शन करते और कुछ एक्सपीरियंस हासिल करते, और उसके बाद जब वो भारत के लिए क्रिकेट खेलते तो एक अलग ही खिलाड़ी के रूप में नजर आते। तो राय आपकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। भारत वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले तेज गेंदबाज को लगी चोट, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान। टीम इंडिया का अगला मिशन वेस्टइंडीज का दौरा करना है। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 जुलाई को रवाना होगी। इस दौरे पर जाने से पहले ही भारत का एक तेज गेंदबाज चोटिल हो गया है और आनन फानन में BCCI ने उस खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। टेस्ट और वनडे के लिए तो टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन T20 सीरीज के लिए अभी टीम नहीं चुनी गई है। और आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के इस दौरे पर पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई को शुरू होगा। दरअसल वेस्टइंडीज के इस बड़े दौरे पर रवाना होने से पहले ही भारत का एक तेज गेंदबाज चोटिल हो गया है और BCCI ने काफी ज्यादा तेजी दिखाते हुए उस चोटिल खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। आखिर कौन हुआ है चोटिल? वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले ही भारत का युवा पेसर अचानक चोटिल हो गया। इसी वजह से BCCI को आखिरी मौके पर रिप्लेसमेंट का ऐलान करना पड़ा। जिस खिलाड़ी को चोट लगी है उसे पूरी तरह से ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया चोटिल हो गए हैं। चेतन सकारिया की जगह टीम मैनेजमेंट को रिप्लेसमेंट का ऐलान करना पड़ा। मुंबई के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे को उनकी जगह दिलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है। सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया को गेंदबाजी करने वाली कोहनी की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। चेतन सकारिया को चोट से उबरने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में वेस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से होगा। सेंट्रल जोन ने क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन को 170 रनों से हराया था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं तुषार देशपांडे।
आईपीएल 2023 में तुषार देशपांडे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने सीएसके के लिए दमदार प्रदर्शन करते हुए कई सारे बल्लेबाजों के विकेट चटकाए थे। हालांकि तुषार देशपांडे के फर्स्ट क्लास करियर की बात करें तो उन्होंने 29 मैचों में 27.77 की औसत से 80 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने इस साल आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से भी सभी को प्रभावित किया था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस युवा खिलाड़ी ने 16 मैचों में 21 विकेट चटकाए थे। वहीं चेतन सकारिया की बात करें तो 25 साल के इस लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज ने भारत के लिए एक T20 और दो वनडे मैच खेले हैं। हालांकि चेतन सकारिया को वेस्टइंडीज दौरे के लिए तो टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन अब वो दिलीप ट्रॉफी में भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको चोट लग गई है। वैसे वेस्टइंडीज दौरे की बात करें तो बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए एक लेफ्ट आर्म पेसर को टीम इंडिया में जगह दी है और उनका नाम है जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट ने पिछले साल ही टेस्ट टीम में वापसी की थी और अब उन्हें वनडे टीम में भी मौका मिल गया है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद जयदेव उनादकट वनडे खेलते हुए दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वेस्टइंडीज के दौरे पर टीम इंडिया टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही सीरीज जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया वेस्टइंडीज में जीत का परचम लहरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेन स्टोक्स ने खेली तूफानी पारी, देखती रह गई दुनिया सारी। लॉर्ड्स में बेईमानी से जीता ऑस्ट्रेलिया, जीत के बाद भी हुई ऑस्ट्रेलिया की फजीहत। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लॉर्ड्स के मैदान पर तूफानी पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया। हालांकि बेन स्टोक्स की तूफानी पारी के बावजूद इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। बेन स्टोक्स ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार शतक जड़ा। हालांकि इस दमदार पारी के बावजूद भी वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। बेन स्टोक्स ने लॉर्ड्स में खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 214 गेंदों में 155 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 9 छक्के भी लगाए। हालांकि इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार जीत ही लिया और मौजूदा एशेज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली। इससे पहले इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच को जो कि एजबेस्टन में खेला गया था उसे भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेईमानी का सहारा भी लेना पड़ा, जिसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलियाई टीम की जमकर फजीहत हो रही है। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेईमानी की। ऑस्ट्रेलिया ने कैसे की बेईमानी? इस टेस्ट मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए इस जेंटलमैन गेम को शर्मसार कर दिया। दरअसल इस मैच में जॉनी बेस्ट्रो के विकेट को लेकर काफी बवाल मच गया। बेस्ट्रो को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जिस तरह से रनआउट किया उससे उनकी स्पिरिट ऑफ द गेम पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कैमरन ग्रीन ने जॉनी बेस्ट्रो को एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर बेस्ट्रो नीचे झुके और गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी के पास चली गई। इसके बाद ही सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ। जैसे ही गेंद एलेक्स कैरी के पास पहुंची, बेस्ट्रो क्रीज के अंदर अपना पैर लगाकर क्रीज से बाहर आ गए। अगले ही सेकंड में कैरी ने गेंद को स्टंप्स पर दे मारा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। बेस्ट्रो और उनके साथ मौजूद कप्तान बेन स्टोक्स ये देखकर हैरान रह गए। उनकी हैरानी की वजह यह थी कि बेस्ट्रो गेंद को विकेटकीपर के पास जाते हुए देखने के बाद क्रीज पर अपने पैर से मार्क लगाकर ही बाहर निकले थे। बेस्ट्रो ये मानकर आए थे कि गेंद डेड हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मामला थर्ड अंपायर के पास गया और थर्ड अंपायर ने जॉनी बेस्ट्रो को रनआउट करार दिया। क्यों रनआउट दिए गए जॉनी बेस्ट्रो? क्रिकेट के नियमों के मुताबिक जब तक गेंद डेड नहीं होती तब तक खेल को एक्टिव माना जाता है। ऐसे में अगर उस दौरान बल्लेबाज क्रीज से बाहर आता है तो उसे रनआउट करार दिया जाएगा। गेंद को तब डेड माना जाता है जब विकेटकीपर या गेंदबाज के पास गेंद आती है। इस मैच की स्थिति में विकेटकीपर एलेक्स कैरी के पास गेंद आई थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी इंतजार किए गेंद को तुरंत ही स्टंप पर मार दिया। बेस्ट्रो बिना रुके तुरंत क्रीज से बाहर गए थे। हालांकि जेंटलमैन गेम को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेस्ट्रो के रनआउट की अपील नहीं करनी चाहिए थी। लॉर्ड्स में होने लगी हूटिंग। अब लॉर्ड्स में हजारों इंग्लिश फैंस के सामने ऐसा हुआ तो इसका रिएक्शन आना तो बनता ही था। इंग्लैंड के फैंस ने हूटिंग शुरू कर दी और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेईमान बताते हुए नारेबाजी करने लगे। पूरे लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाजी के दौरान शोर ही होता रहा। हालांकि
बेन स्टोक्स ने अपनी इस तूफानी पारी के दम पर इंग्लैंड को जीत दिलाने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि बेन स्टोक्स 155 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद एक के बाद एक इंग्लिश बल्लेबाज आउट होते गए और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार दूसरे टेस्ट मैच को जीत लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा एशेज में 2-0 की बढ़त बना ली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जॉनी बेयरस्टो को आउट करार दिया जाना चाहिए था? क्या जॉनी बेयरस्टो को सही आउट दिया गया? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।